नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की 102वीं जयंती पर मंगलवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने समूचा ग्वालियर अम्मा महाराज की छत्री पर उमड़ पड़ा। श्रद्धांजलि सभा आयोजन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, महाआर्यमान सिंधिया, राजमाता माधवी राजे सिंधिया, सांसद विवेक शेजवलकर, पूर्व सांसद अनूप मिश्रा, मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युमन तोमर, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, सुरेश राठखेड़ा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार समेत ग्वालियर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और भाजपा की संस्थापक उपाध्यक्ष राजमाता विजया राजे सिंधिया के 102वीं जयंती समारोह में सिंधिया ने आए पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सर्वप्रथम समस्त धर्मगुरुओं का सम्मान किया। इस अवसर पर अम्मा महाराजा की छत्री प्रांगण में भजन संगीत का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने श्रद्धांजलि सभा में आए समस्त गणमान्य नागरिकों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मध्यप्रदेश के मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद सिंधिया जयविलास पैलेस होते हुए विमानतल से नई दिल्ली रवाना हो गए। ग्वालियर रियासत के प्रशासकों को राजपाल से लोकतंत्र में आकर लोकपथ पर लोकसेवा का मार्ग दिखाने वाली राजमाता विजया राजे सिंधिया की 102वीं जयंती के अवसर पर शहर भर में श्रद्धांजलि के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। इसके साथ ही अचलेश्वर मंदिर चौराहे से अम्मा महाराज की छत्री परिसर तक राजमाता के राजनीतिक जीवक यात्रा को प्रदर्शित करने चित्रमय झांकी सजाई गई थी।